इसका अंजाम सिर्फ एक ही होगा, देश बचेगा या हम अपनी कुर्बानी से देश के लिए, अगर हमारी हत्या होती है या हमें लंबे समय के लिए जेल में डाला जाता है, जिस तरह से जुबैर है, तीसरा शीतलवाद है, उससे पहले एक लाइन लगी हुई है ना सबकी। दिल्ली दंगों में भी तो इतने बेगुनाह लोग हैं, सबको जेलों में ठूस रखा है ना, झूठे मुकदमे लगा के। हमारा यही कहना है, देखिए आरएसएस के लोग जोधपुर में मिले इतनी बड़ी विभत्स घटना करते हुए, आरएसएस के लोग मिले जम्मू में इतनी बड़ी विभत्स घटना करने की तैयारी करने में, और आरएसएस के लोग अब इसमें मिल रहे हैं वीवो और ये सब इस तरह की आतंकी घटनियां कराने के लिए। आरएसएस और चाइना, आरएसएस और पाकिस्तान, आरएसएस और इजराइल के क्या संबंध है? क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रहित में नहीं होनी चाहिए? और नूपुर शर्मा ने अकेले नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री का ऑफिस है, होम मिनिस्टर का ऑफिस है, बीजेपी के प्रेसिडेंट का ऑफिस है। क्या कोई बड़ी साजिश थी? इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए सिंपली बिकॉज आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या वो राष्ट्रहित से भी ऊपर है? मतलब उनके ऊपर कोई भी जांच नहीं होनी चाहिए चाहे वो कुछ भी करते रहे? इन्वेस्टिगेशन अगर राजस्थान की एटीएस करती तो ये कनेक्शन आरएसएस और ये जो अभियुक्त हैं उनके और पाकिस्तान के डायरेक्ट कनेक्शन साबित होते। नहीं, सरकार में किसी भी कंपनी की कोई भी घोटाला कर सकती है, लेकिन जब इतना बड़ा घोटाला कर दिया, यहाँ क्या है कि बीसीसीआई और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ के देखता है, और अगर बीसीसीआई ये आईपीएल में वीवो कंपनी का इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही थी, पॉपुलैरिटी नहीं दे रही होती, तो शायद देश की जनता वीवो कंपनी के फ़ोन इतने नहीं खरीद रही होती। तो अब जब यह घोटाला पता लग गया तो क्या बीसीसीआई का यह फ़र्ज नहीं बनता, जिसके दोनों ही चेयरमैन और सेक्रेटरी अभी तो ब्रिजेश शाह साहब बन गए, शायद मुझे पता नहीं कब बने हैं वो, पहले तो शायद गौरव गंगुली साहब थे ना, हटा दिया उन्हें, तो वो बन गए, अब दोनों ही गुजरात से बन गए हैं, तो क्या उनका फ़र्ज नहीं है देश से माफ़ी मांगे कि हमारा भी हिस्सा था इनको पॉपुलर करने में वीवो कंपनियों का? अब तो हमें पता लग गया है चाइनीज़ घोटाला कर रहे थे हमारे देश में आके, तो अब तो कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए। कहीं ये तो नहीं सर कि उनकी भी मिली भगत है कहीं घोटाले में? नहीं, देखिए ये मिली भगत है या नहीं है, हम लोग क्योंकि वकालत के बैकग्राउंड से आते हैं, ये तभी पता लगता है जब फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी तौर पे इन्वेस्टिगेशन होगी जब ही पता लगता है। लेकिन इसमें एफआईआर होना ज़रूरी है क्योंकि इतने सबूत तो अब आ चुके हैं, जिसमें बीसीसीआई को भी क्या उन्होंने ड्यू डिलीजेंस की थी इस कंपनी की, क्या देखिए अगर इतनी बड़ी किसी एक इवेंट में देश के आप किसी को मौका दे रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक आपने क्या किया था, क्या ये कोई घोटाला तो नहीं कर रही, क्या आईबी से आपने परमिशन ली थी, क्या आईबी की रिपोर्ट्स ली थी कि क्या देश में कोई ये चोरी तो नहीं कर रही, ये चाइनीज कंपनी तो थी ना, ऐसा तो नहीं था ना कि बिल्कुल चाइनीज कंपनी नहीं थी। फिर 18-19 और कब से ही तो चाइना से हमारे संबंध जो है इस बात से खराब हो चुके हैं कि वो हमारी जमीन जो है बार बार कब्जा करे जा रहे हैं। कितना बड़ा प्रधानमंत्री साहब ने सबने कितना टफ स्टैंड ले रखा है पिछले 3-4 साल से चाइना के लिए, तब भी इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये जो वीवो कंपनी है इसके बारे में पता करें और उसको स्पॉन्सरशिप दिए जा रहे हैं। वीवो आईपीएल का ये 2021 में भी वही स्पॉन्सर है, 2021 में भी, तो इसके लिए क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि हम चाइनीज ऐप बंद कर देंगे, ये इसको भी 3 साल हो गए ना, चाइनीज ऐप को बैन कर रहे हैं जो कंपनियां लूट मचा रही हैं हजारों लाखों करोड़ की, उसके साथ आपके खुद के जो, और वो भी होम मिनिस्टर साहब के बेटे हैं, इनके पास तो कुछ ना कुछ अपने पिताजी से भी इन्फॉर्मेशन आती होगी ना कि ये कंपनी बताते होंगे कि बेटा ये कंपनी बहुत बड़ी है, घर में चाय पानी नाश्ते पे तो बताते होंगे, ये इतनी बेकार और घटिया कंपनी है, इन्होंने हमारा देश लूट लिया। कम से कम होम मिनिस्टर साहब को तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि अपने सुपुत्र साहब को ये बता दें, उनकी होम मिनिस्टर के तौर पर भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब चाइना से हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और उनके पास तो ये सब इन्फॉर्मेशन होगी ना ईडी और उसकी, जब ये 2018 से घोटाला चल रहा है बड़े तौर पर, तो तब उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था हमारे होम मिनिस्टर साहब का कि अपने बेटे साहब जो है उनके सुपुत्र जो है उनको तो कम से कम बता देते कि इसको आप ज़रा इसको वीवो को हटाओ, हम लोग इनको अरेस्ट करने वाले हैं वीवो वाले लोग, वो क्योंकि ये देश में पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है वीवो, अभी भी लोग हमारे फ़ोन वाइवो का क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्समैन सब उनका वो लगा के घूम रहे हैं जिनको लोग प्यार करते हैं। एक सवाल ये है, तो इसका मतलब आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ अभी हो रहा है देश में, नूपुर शर्मा का मुद्दा ले लीजिए, सर तन से जुदा के नारे ले लीजिए, या और भी जितने हालात हैं वो सब के, किसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया, किसी ने देश तोड़ने की बात कर दी, उन सब के बैकग्राउंड में आप कह रहे हैं कि देश को नुकसान किसी और ही तरह से पहुँचाए? हाँ, आरएसएस, हमारा यही कहना है, देखिए आरएसएस के लोग
जोधपुर में मिले इतनी बड़ी विभत्स घटना करते हुए, आरएसएस के लोग, अभी लेटेस्ट ही बता रहा हूँ ना आपको, आरएसएस के लोग मिले जम्मू में इतनी बड़ी विभत्स घटना करने की तैयारी करने में, और आरएसएस के लोग अब इसमें मिल रहे हैं वीवो और ये सब, ये बीसीसीआई किसके हाथ में आज देखा जाए तो ये सब भी। तो हमारा ये कहना है, क्या इस बात पे जिसके सबूत एक के बाद एक मिल रहे हैं, क्या इस बात पे देश की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि आरएसएस से क्या संबंध है ये इस तरह की आतंकी घटनियां कराने के लिए? आरएसएस और चाइना, आरएसएस और पाकिस्तान, आरएसएस और इसराइल के क्या संबंध हैं? क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रहित में नहीं होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन किसी बड़ी एजेंसी से, ये क्या डिमांड करना इतने सबूत आने के बाद? नूपुर शर्मा ने 57 देशों से, जो देश के मित्र देश थे, और नूपुर शर्मा ने अकेले नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री का ऑफिस है, होम मिनिस्टर का ऑफिस है, बीजेपी के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, और वो देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पीछे हैं। तो क्या ये जो संबंध बीजेपी ने कराए खराब, इसके बारे में क्या कोई बड़ी साजिश थी? इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए सिंपली बिकॉज आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या वो राष्ट्रहित से भी ऊपर हैं? मतलब उनके ऊपर कोई भी जांच नहीं होनी चाहिए चाहे वो कुछ भी करते रहें? ये तो बहुत ही नाजायज बात है ना। हम ये तो नहीं कह रहे ना सीधे सजा दे दीजिए, लेकिन इतने सबूत, इतने इशारे मिलने के बाद भी क्या एक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए? तो मैं देश के सभी अपोजिशन पार्टी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होने की डिमांड के लिए लार्ज स्केल पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, एजिटेशन होनी चाहिए। उदयपुर और... जो घटना हुई थी या उसके अलावा भी जो इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें स्पेशली ये कहा गया कि भाई मुसलमानों ने ऐसा किया, सर तन से जुदा कर दिया, गला काट दिया या कोई भड़काऊ बयान दे दिया, उसमें तुरंत एनआईए को इन्वॉल्व किया जाता है और जांच की मांग कर ली जाती है और एनआईए उसमें आता भी है। तो क्या इस तरह के जो मामले हैं, जैसे वीवो की बात कर लें या और ये ज़ियोमी कंपनी की बात आप करें, तो इसमें भी एनआईए को आना चाहिए क्योंकि ये भी तो देश के लिए खतरा है। ये है देश के लिए बड़ा खतरा। वो खतरा तब है जो अशोक गहलोत साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और जब मुझे बहुत हैरानी है कि उन्होंने खुद ही प्लेटर पे सजा के एनआईए को दे दिया इन्वेस्टिगेशन, जबकि उनकी पुलिस ने पाकिस्तान से तार निकाल लिए थे इन लोगों के, जो उदयपुर की घटना करने वाले अपराधी हैं या अभियुक्त हैं, उनके तार अशोक गहलोत साहब की एटीएस ने निकाल लिए थे पाकिस्तान से। अब उसके बाद फिर उन्होंने पता नहीं किस वजह से, या तो वो डर गए होंगे इस चीज़ से, क्योंकि उनके सामने भी आरएसएस के भी संबंध आए होंगे, तो आरएसएस के संबंध आते ही शायद उन्हें डर लगा होगा कि कहीं अब मुझ पर ही हमला ना हो जाए, ये बात अगर उजागर हो गई तो उन्होंने तुरंत अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। इन्वेस्टिगेशन अगर राजस्थान की एटीएस करती तो ये कनेक्शन आरएसएस और ये जो अभियुक्त हैं उनके और पाकिस्तान के डायरेक्ट कनेक्शन साबित होते। अब मुझे पता नहीं क्या होगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इस बात पे इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि आरएसएस के क्या संबंध हैं। एक अडवाणी जी ने बहुत अजीब सी बात कही थी ना एक बार, टिप्पणी क्या थी वो, हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी क्या है, हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, हर आतंकवादी मुसलमान ही निकलता है, मुसलमान ही निकलता है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जो मुसलमान आतंकवादी निकलते हैं वो हर जो भी निकलते हैं उनके संबंध आरएसएस से जरूर होते हैं। तो हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पहली लाइन। दूसरी लाइन, हर आतंकवादी जो निकलता है वो मुसलमान निकलता है, तो ये अडवाणी जी का कहना था। मेरा इसमें अब जो आज के हालात से नजर आ रहा है कि हर वो मुसलमान जो आतंकवादी निकलता है उसके तार आरएसएस से होते हैं और पाकिस्तान से होते हैं साथ साथ, ये क्या चक्कर है? इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? लेकिन सर, जो जुबैर के साथ हुआ, जो फैक्ट चेकर है और सच्चाई को सामने लेकर आते हैं, और आप इतने बड़े स्कैम का जिस तरह से खुलासा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आप जिस अम्बेडकरवादी सोच को या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपनी जान को भी आपने खतरे में डाला हुआ है, तो इसका अंजाम सिर्फ एक ही होगा, देश बचेगा या हम अपनी कुर्बानी से देश के लिए, अगर हमारी हत्या होती है या हमें लंबे समय के लिए जेल में डाला जाता है, जिस तरह से जुबैर है, तीसरा शीतलवाद है, उससे पहले एक लाइन लगी हुई है ना सबकी, दिल्ली दंगों में भी तो इतने बेगुनाह लोग हैं, सबको जेलों में ठूस रखा है ना झूठे मुकदमे लगा के, तो एक नहीं है, लंबी फहरिस्त है। तो जब ये आरएसएस का, मनुवादियों का और मनुस्मृति का जो राज स्थापित करना चाहते हैं संविधान तोड़ के, जब इनका राज खत्म होगा तो लोग हमें इज्जत से जानेंगे,
यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा वो है। लेकिन जुबैर साहब के जो कानूनी सलाहकार हैं उनको भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि ये सारी जो जुबैर साहब के साथ हो रही हैं घटनाएँ, ये एक आपराधिक साजिश के तहत हो रही हैं। तो ये अपनी एक काउंटर FIR भी कराना मेरे ख्याल से कंसिडर करें कि जिसमें सरकारी अधिकारी, RSS और BJP के लोग और जो ये क्रिमिनल मीडिया है इनके एंकर्स के खिलाफ, जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ताकि हमने देखिए मेरे ऑफिस में भी रेड क्यों हुई थी, ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, यही सब चीज़ें छीनने के लिए तो हुई थी, कोई दिल्ली दंगों का इशू नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अब जब अपोजिशन पार्टीज़ उस तरीके से मजबूती से नहीं कर रही, तो मैं वो एक के बाद एक, जिसकी तलाश में स्पेशल सेल ने 15 घंटे लगाए थे यहाँ पे 200 लोगों ने, बंदूकधारियों ने, अब मैं वो बताता जा रहा हूँ। इसकी तलाश में भी आए थे उस वक्त जो मेरे ऑफिस में रेड हुई थी, कि इसके बारे में भी मेरे पास जानकारी है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर हत्या करने की कोशिश की जाएगी, कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने डायरेक्टर हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ में, इसकी तलाश की जाए, सबको पता लग जाएगा कि मेरे ऑफिस में रेड क्यों हुई थी। ये हैं असली चीज़ें, तो हम उसको धीरे धीरे करके खोलेंगे, और रेड की असली वजह भी आप लोगों को, और जो जुबैर साहब पे हमले हो रहे हैं उसकी असली वजह भी यही, उनका कंप्यूटर चाहिए ना उन्हें, जुबैर साहब जैसे मेरा कंप्यूटर चाहिए था उन्हें, मैंने तो अभी तक बचा के रखा हुआ है, अब तो उसके अलावा भी बहुत। जान तो ऊपर वाले के हाथ में होती है ना, जान अगर इंसानों के हाथ में होती, मौत, इज्जत, जिल्लत, जेल, एक्सीडेंट, गौरी लंकेश के बारे में तो बस यही कह रहा हूँ ना, ये लोग सब हैं, जब अम्बेडकर वादियों का सही राज आएगा तो ये लोग हमारे नेशनल हीरोज के तौर पे, इनकी सबकी फोटोज पार्लियामेंट में लगेंगी, गैलरीज में, ये बात आप याद रखें। जहद मेहनत बहुत लगने वाली है, कठोर और सख्त समय गुजर रहा है इस वक्त का। या तो अम्बेडकर वादी संसद में तो जाएंगे आज नहीं तो कल, थोड़े एक दो साल, 5 साल की बात है मैक्सिमम से मैक्सिमम, फिर या तो हम लोग संसद में होंगे या हमारी फोटोएं होंगी, दोनों में से एक चीज तो जरूर हो। अमित शाह जी ने तो कहा कि हम 50 साल तक राज करने वाले हैं। नहीं देखिए, अब राज्यों में भी तकरीबन कोई मना नहीं है इस प्रकार के क्लेम करना, क्योंकि अमित शाह जी तो राजनीतिक चाणक्य अपने आप को क्लेम करते हैं, तो एक बात ये भी होती है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे करो ताकि लोग जो हैं तुमसे और डरना शुरू करें, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मुट्ठी भर जो नहीं डरते किसी से भी ऊपर वाले के अलावा, और इज्जत करते हैं तो सिर्फ भारत के संविधान का नाम कर दें उसमें, ना डरने वालों में। ये तो आप लोगों का फैसला है, अगर मैं डरा हुआ लग रहा हूँ तो ना करें, अगर नहीं लग रहा तो कर दें, यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से फोकस जुबैर साहब के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट हैं हमारे इस उसमें, हम सबको फोकस करके जुबैर साहब को बाहर निकालने के लिए और उन्हें एक हीरो का वेलकम देने के लिए, जब वो बाहर आए तो ही इज अ हीरो उस तरीके से। जब तीसरा शीतलवाद साहिबा और जो दोनों हमारे पुलिस अधिकारी हैं, एक श्रीनिवासन साहब है क्या नाम उनका, और दूसरे जो हमारे ये दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको तीसरा शीतलवाद साहिबा के साथ अरेस्ट किया गया है, जब वो बाहर आए संजीव भट्ट साहब, तो उनको हीरोज़ वेलकम मिलना, ये हम सबकी जिम्मेदारी।